देखिए आज बसंत पंचमी है, तीसरा शाही स्नान है, हम कुंभ के बिल्कुल सामने खड़े हैं। मेरे सामने अगर देखें तो अक्षय व्रत वहाँ पे है और उसी के बगल में लेटे हुए हनुमान हैं। अभी भी आपको यहाँ पे कई हज़ार लाखों लोग दिखेंगे। अगर आप तट के उस पार देखें तो आज की जो अनुमान था वो 1.5 करोड़ का था, लेकिन सारे अनुमान दुगने गए हैं। मौनी अवस्था में 2.5 करोड़ का अनुमान था, 5 करोड़ लोग आए हैं। जो कुछ चीज़ें खास हैं अगर आप पैन कर पाएँ तो इधर देखिए, बहुत सारे चेंजिंग रूम बने हैं, लाइन से चेंजिंग रूम बने हैं, बहुत सुंदर है, महिलाओं के लिए बहुत व्यवस्था हो गई है। आप नज़र कहीं भी दौड़ाएंगे आपको हज़ारों टॉयलेट एक साथ देखेंगे। देखिए वहाँ पर सारे पोटा केबिन के टॉयलेट बने हैं, इतना बड़ा ग्राउंड है। देखिए यहाँ पर आपको बहुत हल्का एक आध पन्नी कचरा मिलेगा, 20,000 सफाई कर्मी यहाँ पर लगे हैं। तो जो कुंभ का जो धार्मिक जो उसकी महत्व था वो तो बना हुआ ही है, जो साधुओं के अखाड़े हैं वो तो हैं ही, साथ में जो कुंभ में सुंदरता आ गई है, कुंभ में जो भव्यता आ गई है, कुंभ में जो स्वच्छता आ गई है, वो इस बार अलौकिक है। और अभी देखिए थोड़ी थोड़ी देर में आप देखेंगे हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और वो फूलों की वर्षा कर रहा है लोगों पे। लोगों को लगता था कि भाई तो फूलों की वर्षा वीआईपी के लोगों के लिए होती है, आम जनमानस के लिए जो करोड़ों लोग आए हैं उन पे योगी जी फूलों की वर्षा करवा रहे हैं। ये बड़ा अद्भुत है। साइबेरियन क्रेन जो आई है उसने एक अलग अद्भुत माहौल पैदा कर दिया है। सारी बोटें, जितनी हज़ारों बोटें हैं, सब पेंट हो रखी हैं, फ्लैग रखा है। मैं ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में एक साल रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये जो इस समय सामने नदी का जो नज़ारा है बिल्कुल ज्यूरिख लेक की तरह लग रहा है। तो सुंदरता, भव्यता और धार्मिक जो महत्व है सब एक साथ इस कुंभ में आया है। अभी भी कुंभ में काफ़ी समय बचा है, मेरे ये सबसे अनुरोध है, जो अर्बन लोग हैं इसको नहीं समझ पाते हैं, कुंभ में एक बार ज़रूर आएँ, ज़रूर आएँ, ज़रूर आएँ।